गांव में जाइएगा ना तो अगर आप अगर यादव हैं तो यादव का गाना बजाइएगा। और यहाँ के जो सिंगर जो हैं जिनका गाने का जो कंटेंट है, कंटेंट बहुत ही घटिया है। आप म्यूजिक प्रोडक्शन कीजिए ना, बढ़िया म्यूजिक बनाइए एकदम, जैसे और अदर स्टेट को देखिए। नमस्कार, मैं नन्न, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आइए अभी हम बिहार में और बिहार के लोगों से जानते हैं कि क्या भोजपुरी गानों से जातिवाद को बढ़ावा मिलता है या फिर नहीं। तो क्या भोजपुरी गानों से जातिवाद को बढ़ावा मिलता है? बिल्कुल बढ़ता है भैया, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ता है। अब भोजपुरी देख रहे हैं आजकल कास्ट वाला गाना इतना बज रहा है कि क्या बताएं। कोई यादव है तो यादव वाला, कोई कोयरी है तो कोयरी वाला, साहू है तो साहू वाला। अच्छा, आपका फेवरेट सिंगर कौन है भोजपुरी? मेरा फेवरेट सिंगर नहीं, हम सही बता रहे हैं, भोजपुरी वाला तो नहीं है मेरा, और भी अदर स्टेट के मैं पूरा स्टेट का गाना सुनता हूँ, मतलब कि झारखंड हो गया, पंजाब हो गया, आपका इधर राजस्थान हो गया, सारे स्टेट का। लेकिन वो म्यूज़िक प्रोडक्शन बिहार में आना चाहिए था जो अदर स्टेट का, यहाँ पे खाली ढोड़ी 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 कहाँ चला नहीं नहीं चल रहा। यहाँ का जो ये जातिवाद गाना है ना, जो बिल्कुल बेकार है। लोग मतलब कि अपना बहुलक समाज जिस तरह के हैं, जहाँ पे मतलब कि उनका जनसंख्या ज़्यादा हो उस हिसाब से बजाते हैं, इस तरह का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जो मतलब कि वहाँ पे कम कास्ट वाले हैं, जैसे जिसका जनसंख्या कम है, उन लोग को प्रॉब्लम होता है। और यहाँ के जो सिंगर जो हैं जिनका गाने का जो कंटेंट है, कंटेंट बहुत ही घटिया है, बहुत ही घटिया। अच्छा, जब छोटे सिंगर गाते हैं तो पता चलता है कि व्यूज़ के लिए गा रहे हैं और फेम के लिए गा रहे हैं, लेकिन जब बड़े गायक पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जैसे सिंगर्स गाते हैं तो वो तो उन्हीं को देखकर प्रेरित भी होते हैं ना? नहीं देखिए, वो लोग जैसे बड़े सिंगर हैं तो उनका एक फेस वैल्यू है, और फेस वैल्यू में क्या होता है ना कि लोग अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं, हम किस लेवल पे ले जा सकते हैं चीज़ों को। अगर वो लोग बड़े लोग भी अगर ये शरीर के अंगों पे गाना बजा रहे, पर्टिकुलर अंग पे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आप म्यूज़िक प्रोडक्शन कीजिए ना, बढ़िया म्यूज़िक बनाइए एकदम, जैसे और अदर स्टेट को देखिए। कोई भोजपुरी सिंगर जो अच्छा गाना बनाता हो? भोजपुरी में हम सुने नहीं हैं, लेकिन भोजपुरी गाने में जातिवाद है? जातिवाद तो गाने से रिलेटिव नहीं होना चाहिए। जातिवाद क्या? गाने से रिलेटिव जातिवाद तो नहीं होना चाहिए बाबू। भोजपुरी सॉन्ग अलग हो गया, हिंदी सॉन्ग अलग हो गया, सबका अलग अलग अपना अपना होना चाहिए। आप देख रहे हैं, आप कोई भी आप शादी में गए हैं, गांव में गए हैं? नहीं गए हैं। गांव में जाइएगा ना तो अगर आप अगर यादव हैं तो यादव का गाना बजाइएगा। आप अगर किसी भी कास्ट का हैं, आप जिस भी कास्ट का हैं उसी कास्ट का आप नहीं बजाइएगा ना, चार गो आपके रिलेटिव आएंगे, बंद करो गाना, बोला नहीं बजेगा ही वाला। ये तो ऐसा नहीं है। अच्छा, आपके फेवरेट सिंगर कौन है? सिंगर तो पवन सिंह है, खेसारी लाल है, और दोनों का जातिवाद पे गाना निकला है? नहीं तो ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हिंदी में भी है। फिलहाल पवन सिंह और खेसारी लाल दोनों जो है सो मेरे लिए फेवरेट है, और अच्छा सॉन्ग मतलब सिंगर भी है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भोजपुरी में जातिवाद है? जातिवाद मुझे तो पता नहीं है। आपको सर? नहीं जातिवाद। जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको उन युवकों से रूबरू करवाया जो भोजपुरी गाने सुनते हैं और जो भोजपुरी गानों में दिलचस्पी रखते हैं, और उनका मानना है कि जातिवाद को बढ़ावा भोजपुरी गानों से मिलता है, जो कि नहीं मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं, बहुत सारे ऐसे गायक हैं जो अपने आप को उस लेवल पर ले जा चुके हैं जहाँ पर जाते हुए उनको उनसे बहुत सारे छोटे सिंगर प्रेरित होकर अपना जगह बनाते हैं, अपनी एक पहचान बनाते हैं। जैसे पवन सिंह हो गए, खेसारी लाल यादव होंगे, रितेश पांडे हो गए, ऐसे महान महान सिंगर्स जो हैं, अगर वो जातिवाद पे गाना गाते हैं तो उनको देखकर छोटे सिंगर्स भी ऊपर उठेंगे। तो यही है कि सेंसर बोर्ड सबसे पहले भोजपुरी में होना चाहिए कि वो इन सब चीज़ों को कट करके और फ्रेश चीज़ दर्शकों के झोली में डाल सके। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने और देखते रहे न्यूज़ 24। मैं नंदन, कैमरा मैन पिंटू के साथ, धन्यवाद।